जमशेदपुर पोटका पूर्वी सिंहभूम पोटका प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ आश्रम हाता का 56वां वार्षिक महायज्ञ अनुष्ठान सह 5 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन अष्टम विष्णु यज्ञ 24 फरवरी को अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व कल्याणार्थ जाति एवं धर्म में आपसी प्रेम एकता शांति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजन हुआ। वही हरिनाम संकीर्तन के साथ 700 से अधिक कुमारी कन्याओं द्वारा नजदीकी नदी से कलश यात्रा करते हुए रामगढ़ आश्रम लाया गया। वही कलश यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजीव सरदार शामिल हुए। उन्होंने कलश यात्रा शामिल होकर रामगढ़ आश्रम के यज्ञ अनुष्ठान में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के सामने माथा टेक कर क्षेत्रवासियों के लिए सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना की। वहीं संजीव सरदार प्रभु का नाम लेते हुए रामगढ़ आश्रम में हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया। उनको कीर्तन मंडलियों के साथ कीर्तन करते हुए दिखाई दी। उन्होंने कहा क्षेत्र के लोगों का सुख शांति समृद्धि पूरे देश में शांति भाईचारा बने रहने का उद्देश्य से ये यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन होते आ रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में अगल बगल क्षेत्र से काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। मौके पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिला परिषद सविता सरदार, सूरज मंडल, राजकुमार साहू के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। प्राचीन गुरुकुल माता आश्रम द्वारा प्रत्येक साल अति शांति उस गुरुकुल में यज्ञ के साथ कीर्तन का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष भी आज हमारे कन्या द्वारा घट का लाने का काम किया, छप्पन का काम किया गया। और ये लगभग 56 वर्ष हो चुके हैं। 56 वर्ष में इस उद्देश्य इस क्षेत्र के सुख शांति समृद्धि साथ साथ पूरे देश में कैसे शांति से और भाईचारा से साथ रहें, और एक उद्देश्य के साथ आज प्रत्येक साल और गुरुकुल आश्रम में यज्ञ के साथ कीर्तन का आयोजन किया। इस प्राचीन गुरुकुल रामगढ़ आश्रम के प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम श्री सुधांग चंद्र मिश्रा है। आज 56 वर्ष आजादी के प्रतिष्ठा के बल पर 56 वर्ष इस पवित्र भूमि में यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी इस वर्ष जो 8वां वर्ष है विष्णु महाविष्णु देवता, तो इस विष्णु यज्ञ के अवसर पर हमारे यहाँ हमारे पोटका विधानसभा के विधायक श्री संजीव कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक मेनका सरदार जी, हमारे जिला परिषद सूरज मंडल जी, हमारे मुखिया पूरी पंचायत के मुखिया शुक्ला सरदार जी, देवी भूमि मुखिया देवी भूमि जी मनोज सरदार जी, और हमारे चंद्रावती महतो जी पूर्व जिला परिषद, हमारे महान साहित्यकार उत्तरांचल के सुनील कुमार जी, हमारे उर्मिला सामत जी उप प्रमुख उनका मुखिया, अभी सभी गणमान्य अभी हमारे पोटकांचल राजनगर अंचल उड़ीसा बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ से यहाँ पर हमारे भक्त लोग आते हैं। यहाँ सभी संप्रदायों का यहाँ पर योगदान है। कि हमारा इस यज्ञ अनुष्ठान एक आपसी सौहार्द भाव भाईचारा का संदेश, आपस में प्रेम की भावना जागृत करने और विश्व को शांति बनाए रखने के लिए यहाँ यज्ञानुष्ठान का किया जाता है। यज्ञानुष्ठान का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतान पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।